नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज़ नलिनी एंड वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे बाज़ार में मिलने वाली बहुत महंगी मिठाई, और वो भी आसानी से बनाएंगे, सिर्फ तीन चीज़ों से बनाएंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैंने दिया है ट्विस्ट, और इसको पता है आप सेव करके एटलीस्ट 1 वीक रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। और ये बनेगा सिर्फ 2 ग्लास दूध से, तो बहुत ही किफ़ायती दाम में, यानी कि वो महंगी वाली जो मिठाई है उसके आधे रेट में ये बन करके तैयार हो जाती है। इसके लिए मैंने लिया है फुल क्रीम वाला दूध। इसके लिए दूध में मलाई होना ज़रूरी है, और हमें इसे गर्म करना है जब तक कि दूध रिड्यूस हो कर के बिल्कुल आधा से कम ना हो जाए। हमें बनानी इसकी रबड़ी वाली थिकनेस। मीडियम हीट पे आप इसे लगातार चलाते रहें, और जो किनारे हैं ना उसे स्क्रैप करते रहें, ये ज़रूरी है। ये देखिए, जब ये कम होने लगेगा दूध तो इसका कलर भी थोड़ा सा बदलने लगता है। अब देखिए दूध काफ़ी कम हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम कुछ सैफ्रन के थ्रेड, इससे स्वाद और कलर दोनों आएगा। 1/4 कप मैं शुगर डाल रही हूँ, आप यहाँ शुगर स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा चीनी ज़रूर डालिएगा। इसके बाद मैं डाल रही हूँ पिस्ता की कतरन और बादाम की कतरन। कटे हुए ड्राई फ्रूट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके बाद मैं डालूंगी इलायची पाउडर। चीनी तभी डालें जब दूध काफ़ी गाढ़ा हो जाए, स्टार्टिंग में ना डालें। इसके बाद सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करेंगे, इसे और गाढ़ा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, मैं इसमें से तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून इसमें से निकाल लूँगी ये दूध। ये दूध क्यों निकाल रही हूँ आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। ये देखिए, तो मैंने निकाले ये 3 टेबल स्पून, ठीक है। और इसको रख देंगे हम साइड में, और इसको थोड़ा सा गाढ़ा होने देंगे। जब तक वो गाढ़ा हो रहा है हमें चाहिए होंगे ब्रेड। मैं यहाँ ब्रेड के जो ये किनारे हैं इसको मैं काट लूँगी। मैं यहाँ पे 8 स्लाइसेस ब्रेड के लूँगी। आप जितनी बड़ी डिश हो आपकी जिसमें ये बनाना है उतनी आप ब्रेड लें। ये देखिए थिक हो गया है, बिल्कुल रबड़ी जैसा मत कीजिएगा, बहुत गाढ़ा हमें नहीं चाहिए। गैस को बंद करूँगी और इसको थोड़ा सा ठंडा करूँगी। बिल्कुल ठंडा मत कीजिएगा, हल्का सा गर्म रहने दीजिएगा, बताऊँगी कि ये गर्म क्यों रहना चाहिए। अब ये देखिए, इसको मैं इस तरीके से मिला दे रही हूँ और इसको साइड रखूँगी। अब मुझे चाहिए एक बाउल। आप कोई भी ट्रे थाली में ये रेसिपी बना सकते हैं। मेरे पास ये कांच का ये डिश पड़ा हुआ है, उसमें ही करूँगी। जो मैंने अभी 3 बड़े चम्मच निकाले थे ना उस रबड़ी में से, वो डालेंगे। अगर आप निकालना भूल जाते हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप थोड़ा सा दूध लें, उसमें मिल्क पाउडर और चीनी डाल दें और नीचे डाल दें इस तरीके से। अब इसके ऊपर जो हमने ब्रेड स्लाइसेस के एजेस काटे थे इसको डालेंगे, तो मेरे डिश में ये 4 ब्रेड स्लाइसेस आ जाएंगे, लुक एट दिस। उसके बाद जो हमने अभी रबड़ी बनाई थी इसको स्प्रेड करेंगे। ये देखिए, पता है ये इतना डिलीशियस और देखने में इतना एग्जॉटिक लगता है, इतना रिच लगता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत ही डिलीशियस होता है, बस दूध गाढ़ा होने में ही समय लगता है, उसके बाद बिल्कुल टाइम नहीं लगता। लेकिन देख करके कोई ये बोल नहीं सकता कि ये महंगी वाली कलाकंद आपने बनाई है बिना पनीर की, बिना और मेहनत की। इसके ऊपर मैंने एक बार और ब्रेड के स्लाइसेस लिए और रिमेनिंग जो हमारी रबड़ी है उसको डाल देंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा नलिनी इस किचन को, शेयर कीजिएगा अपनों से। रबड़ी की एक और लेयर बिछाने के बाद हम इस पे पिस्ता की कतरन और बादाम की कतरन डाल देंगे। इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए ना आप थोड़े रोज़ पेटल्स डाल देंगे तो वो और भी सुंदर लगते हैं। तो मेरे पास ये सूखे हुए रोज़ पेटल्स पड़े हुए थे, मैं अक्सर इसको जमा कर लेती हूँ, और ये देखिए उसके बाद ये और भी खूबसूरत लगते हैं। बिल्कुल आधे घंटे के बाद ही आप इसे कट लगा लें, अब बड़ी आसानी से इसमें कट लग जाता है। इतनी अच्छी माउथ वाटरिंग रेसिपी है, एक लाइक तो बनता ही है। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये देखिए मैंने कट लगा दिया है, और आसानी से बिल्कुल ये देखिए निकल के आ जाता है, क्रिस्टल क्लियर है ना, मज़ेदार। बनाने में भी मज़ा आता है और खाने में भी, पूरा घर आपके गुण गाएगा। इसका जायका भी अलग है और बनाना भी बहुत आसान है। तो मैं अब आपको इसको कट लगा के दिखाऊंगी कि ये कितना सॉफ्ट है, और मैं जिस भी प्लेट में सर्व करती हूँ कुछ इस तरीके से उसको सजा देती हूँ। अरे भाई, परोसने का भी तो अंदाज़ होना चाहिए ना, शाही चीज़ शाही लोगों के लिए हो तो परोसने का अंदाज़ भी शाही होना चाहिए। आप देखिए देखने में कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। बहुत ही अलग हटके रेसिपीज लाने वाली हूँ, स्टे ट्यून्ड विद नलिनीज किचन। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और सेहतमंद रहिएगा। नमस्कार।